सबके दिल में एक बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा। तो बाबा यही कहता है कि परमानेंट एड्रेस आपकी मधुबन है, तो मधुबन निवासी हो ना कि फॉरेन निवासी? मधुबन निवासी, बाकी सेवा के लिए जैसे हम लोग भी मधुबन से सेवा के लिए अभी दिल्ली में गए हैं ना, घर तो हमारा मधुबन है ना, ऐसे आप सभी ब्राह्मणों का घर परमानेंट एड्रेस आपकी मधुबन है। बाकी सेवा स्थान, क्योंकि विश्व की सेवा करनी है ना, कई फॉरेनर्स बाबा से पूछते हैं तो बाबा हम यहाँ भिन्न भिन्न देशों में फॉरेन में क्यों जन्म लिया, डबल फॉरेनर्स क्यों बने? तो बाबा ने जवाब दिया था, तो देखो विश्व कल्याणकारी हमारा ऑक्यूपेशन है। अगर आपसे कोई पूछे आपका ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन क्या है, तो क्या जवाब देंगे? विश्व कल्याण, विश्व कल्याण ही है, और विश्व कल्याण करना ही हमारा ऑक्यूपेशन है। तो विश्व कल्याण करना है तो आप सोचो, जब हम मधुबन से निकले हैं पहले पहले के स्थापना में, तो हम लोग तो भिन्न भिन्न देशों की भाषा जानते नहीं थे। अभी आप अमेरिका में जाओ उसकी भाषा अपनी, ब्राज़ील में जाओ तो भी अलग, लंदन में जाओ, हर एक देश की भाषा अपनी। अगर हम लोग इतनी भाषाएं बैठ के सीखते तो सेवा कैसे होती विश्व की? इसीलिए आपको ये रूप धारण करके वहाँ जन्म दिया है, तो आप वहाँ की भाषा जानते हो ना, इसीलिए सहज सेवा हो सके विश्व की, इसीलिए बाबा ने आपको वहाँ जन्म दिया है सेवा के लिए। इसीलिए सेवा स्थान आपका वो है, लेकिन परमानेंट घर जो है हमारा सबका मधुबन है। पसंद है? ठीक है, लाइक 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 लाइक, ठीक। तो बाबा का देखो विश्व के कल्याण के लिए कितना बाबा को ख्याल रहता है। आजकल बाबा बहुत मूल्यों में यही कह रहा है कि बच्चों के है, तो फिर भी बाबा के बच्चे ना सभी, चाहे दूसरे धर्म में भी चले गए लेकिन बीज तो एक ही है ना, और बीज है शिव बाबा, उससे ही तो ये सारा वृक्ष निकला, तो वो हमारे ही तो हो गए ना, भाई बहने हो गए ना, और सभी गॉड इज वन तो सभी कहते हैं। कोई भी धर्म वाले आए, मानो यहाँ अभी अभी इंटरफेथ वाले आए थे, आप लोगों ने सुना भी होगा, तो ये सभी वाले मानते हैं धर्म वाले, तो परमात्मा एक है। अगर परमात्मा एक है और उसके सभी आत्माएं हैं, तो आपस में भाई बहन तो हो गए ना। तो बाबा कहता है कि आजकल बच्चों को अपने भाई बहन जो दुखी हो रहे हैं, अशांत हो रहे हैं, मन में टेंशन बहुत पैदा हो रहा है, उनों के लिए आपको शुभ भावना, शुभ कामना, रहम आता है?
दुख के पुकार मर्सी 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 कह के चिल्ला रहे हैं तो आपको सुनने में आता है, बाबा पूछता है तो आपके कानों में वो आवाज आता है, आता है, आता है। अच्छा, फिर क्या करते हैं? फिर बाबा से शक्ति लेकर के उन आत्माओं को हम शक्ति देते, यही हमारा ऑक्यूपेशन है, शक्ति देना। तो बाबा आजकल बहुत अटेंशन मूल्यों में खिंचवा रहे हैं, तो आपका कुछ 5 मिनट भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, सेवा में जाना चाहिए, चाहे मनसा सेवा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा। कर्मणा यानी संबंध संपर्क में भी आते हैं उनको संदेश देना, या सेवा स्थानों में कर्मणा सेवा भी करना, या आप जो जाप करते हो ये भी कर्मणा सेवा है ना। तो वो भी आप जाप किस लिए करते हो? सेवा के लिए। बेहद का प्यार।